शहर के मेगा हाईवे पर करीब 7 साल पहले महेश मालिक की धारदार हथियारों से हत्या हुई थी। इस पर 4 आरोपियों के खिलाफ अदालत में लंबी कार्रवाई चली, जिसका शनिवार को सुजानगढ़ एडीजे कोर्ट में फैसला हुआ। खचाखच भरी अदालत में एडीजे रामपाल जाट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रकरण की जांच में जांच अधिकारी ने आत्मघाती कमियां रखी, जिसके कारण मुख्य आरोपी मुकेश स्वामी सहित अन्य 3 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया जाता है। वहीं एडीजी ने फैसले में तत्कालीन जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बीकानेर रेंज के आईजी को लिखा है। उधर कोर्ट का फैसला सुनाने के बाद मृतक महेश के भाई कमल कुमार और हेमराज माली अदालत से बाहर आकर रो पड़े और महेश की मां भी फफक कर रो पड़ी। उन्होंने कहा कि यह फैसला गलत है, जब कोई दोषी नहीं है तो फिर महेश की हत्या किसने की। इसके लिए अब इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। अप्लाई करूँगा। और 16/3/2012 को मेरे भाई का मर्डर हुआ था, जिसमें आज का फैसला से मैं एकदम संतुष्ट नहीं हूँ। मैं आगे कार्रवाई करूँगा, ये ऊपर जाके कार्रवाई करूँगा मैं। और सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, ऐसा फैसला होने से अपराध बहुत बढ़ेगा। न्यायालय ने माना है कि पुलिस जांच में कमी पाई गई है, क्या कहेंगे आप? पुलिस जांच में कमी पाई गई है तो अब क्या बता सकते हैं। जिसके घर से आदमी चला जाए 15 दिन, तो उसको 1 महीने 2 महीने तो होश ही नहीं होता है। और मेरा जवान भाई गया हुआ है, ये पैसा